अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। लॉकडाउन खोलो इंडिया में बुलंद हुई जनता की आवाज, लॉकडाउन हटाओ कोरोना को भगाओ। चार महीने के लॉकडाउन से मुंबई में सब कुछ ठप है, न काम धंधा चालू है, न पूरी तरह रोजगार चल रहे हैं, न रोजी रोटी बची है, न पैसे हैं। घरों में कैद रहे लोग अब लॉकडाउन के खिलाफत में आ गए हैं। आर्थिक तंगी की वजह से लोग कोरोना से खुद लड़ने को तैयार हैं। अब कोरोना की नहीं बल्कि फिर लॉकडाउन बढ़ने की चिंता और भय सताने लगा है। सवाल है कि आखिर यह सब कब तक चलेगा? घरों में कैद रहकर क्या जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी? आखिर जब पैसे नहीं रहेंगे तब चूल्हे कैसे जलेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? टीवी वन इंडिया ने इसी मुद्दे पर अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट की राय जानी। बहुमत यही है कि अब बहुत हो गया कोरोना, सरकार अब लॉकडाउन खोल दो, फिर पहले जैसे जीने दो। सवाल है, मैं देखिए आज इसी मुद्दे पर खास रिपोर्ट। प्रथम यह कि लॉकडाउन खोलना ही चाहिए और लॉकडाउन खोलना ही लॉकडाउन खोला वाच लगे। अप्रैल पासून अप्रैल मे जून आणि आता हा जुलै 2018-20 कोणाकडे पैसे राहिलेत? कोणाकडे सुद्धा पैसे, कोणाच्या खिशात खर्चाला पैसे राहिले नाही आहेत। ज्याच्या खिशात खर्चाला पैसे नाही आहेत, अन्नधान्यासाठी पैसे नाही आहेत, त्याला ज्या लागणाऱ्या रोजच्या दैनंदिन वस्तू खरेदी करण्यासाठी त्याच्याकडे पैसे नाही आहेत, तो उद्या रस्त्यावर येणार आणि कायदा सुव्यवस्था बिघडणार। आणि ज्यावेळेला कायदा सुव्यवस्था बिघडेल त्यावेळेला आम्हीच आमच्या हाताने व्हायरसने किती मनुष्यहानी होईल, किती वित्तहानी होईल ते सोडून द्या हो, ते नैसर्गिक आहे, परंतु आम्ही स्वतः आमच्याच हाताने अनैसर्गिकरित्या वित्तहानी आणि मनुष्यहानी गमवणार आणि करणार आम्ही वित्तहानी। परंतु व्हायरस एक नैसर्गिक आहे, उसके ऊपर अभी शंका आ रही है, किंतु आ रहे, लेकिन वो नैसर्गिक से कितने वित्तहानी, कितना वित्तहानी और कितना मनुष्यहानी होने वाली है वो तो नैसर्गिक है। लेकिन जब लोग के पास खरीदी के लिए उसके जो कुछ चीज लगते है जरूरी चीज उसके लिए पैसा नहीं है, गवर्नमेंट बोलेगी हम राशन दे देंगे, हम फोकट में चावल दे देंगे, ये दो तीन चीज में पेट तो भरेगा, लेकिन वो पूरा जरूरी जो जरूरत है वो जरूरत पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर हम सभी साबुन कौन देगा उसके लिए? क्या राशन पे मिलेगा साबुन? कोलगेट राशन पे मिलेगा? क्या क्या राशन पे मिलेगा? सवेरे से शाम तक जो चीज लगता है जरूरत चीज है वो राशन पे मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके लिए उसको खरीदना ही होगा और खरीदने के पैसा नहीं आज, और पैसा नहीं तो लोग सर्व लोक रस्ते होते बघा, सर्व लोक आणि ते रोजगार मागतील तुम्हाला आणि त्यात सांगतील ते गव्हर्नमेंट स्पष्टपणे सांगतील की तुमचे काही आम्हाला मेडिकल नको, तुमचे औषध नको, तुमचे हॉस्पिटल नको, तुमचे काही नको, आम्हाला आता रोजगार द्या। आम्ही असेच मरणार आहोत, आम्ही घरी मरण्यापेक्षा आम्ही रस्त्यावर मरू, आम्ही काम करत मरू। ही अवस्था, ही वेल, ही जो समय अभी आ गया है कि घर में रह रहे के मरने से हम काम करके मरेंगे, और वही उससे इसीलिए लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म कर दो, ये भय खत्म कर दो। अभी आज व्यापारी सब इंडिया के व्यापारी रस्ते पे आ रहे हैं, आंदोलन की तैयारी, आंदोलन चालू हो गया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आंदोलन करनी पड़ा। व्यापारी सब वो रस्ते पे आ गए अभी, लेकिन वो सोशल डिस्टेंस में ऑनलाइन रस्ते पे आ गए है, वो लेकिन रस्ते पे है आ गए है, वो उनको आप रुका सकते हैं, व्यापार थांबणार आम्ही हो, परंतु सामान्य नागरिकाला तुम्ही आम्ही थांबू शकत नाही। जो गावी जो गेलेला आहे तो उद्या शहरात येणारच आहे, तो या देशामध्ये जेवढी शहरे आहेत या सर्व शहरामध्ये तो गावा तो गेलेला परत गेलेला, जो गावा ठिकाणी गेलेला, जो गाव गया आहे वो ले, तो मजदूर वो श्रमिक वो दोबारा सिटी में आने वाले का हमें क्या करेगा? जिसके पास खेती बाड़ी क्या करेगा उधर, उसको सिटी में आएगा और जो आएगा वही रास्ते पे आएगा। देखो इसलिए लॉकडाउन जल्द से जल्द जो कुछ हमें
जो कुछ हमें उसका जितना हमें एक्सपीरियंस मिला है ये लॉकडाउन के टाइम में समय में लॉकडाऊनच्या वेळेला आम्हाला जेवढं काय आम्हाला वेळ भेटलेला आहे अनुभव भेटलेला आहे त्यातल्या बऱ्याच गोष्टी आपल्याला आता लॉकडाऊन खोला अन्यथा वित्त आणि आणि मनुष्य आणि ही निश्चित आहे कायदा सुव्यवस्था बिघडणार आणि लोकांचा आता हाल पाहू नका. जे काही गव्हर्नमेंटला वाटते की लॉकडाऊन केल्याने संख्या कमी होईल, जर हाच जर डोक्याने संख्या कमी होईल तर मला याच्यामध्ये माझं दुमत नाही आहे. शेवटी आम्ही काही शासनाच्या विरोधात नाही, सरकार के विरोध में हम नहीं जाने वाले, लेकिन जो सही और गलत है वो सही और गलत है उसके बारे में हमारा ओपिनियन रखना, हमारा मत रखना, हमारा विचार रखना हमारा काम है और हमने वो रख लिया है. इसलिए मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लॉकडाउन ओपन कीजिए और लोगों को सामान्य लाइफ जो जैसा ये बीमारी जो कुछ है वो तो हम हर सालों साल चालू है. इसके अंदर जो सिम्टम्स है जो सर्दी है खांसी है खोखला है सांस लेना है ये हमारे लिए नई बात नहीं है, ये तो सालों साल चालू है. और लॉकडाउन ओपन कीजिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है. अब लॉकडाउन खुलना चाहिए वरना कोरोना से जितने लोग नहीं मरेंगे उससे ज़्यादा लोग गरीबी से और भुखमरी से मर जाएंगे. एक उद्योगपति एक व्यापारी होने के नाते जो मैं देख रहा हूँ व्यापारी वर्ग उद्योगपति करोड़ों रुपये का लोन लेकर आज बैठे हैं, तीन तीन चार चार महीने से उनके धंधे व्यापार सब बंद हैं, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, उनके वर्कर एम्प्लॉयज सब खाली बैठे हैं, उनको भी घर चलाने में दिक्कतें हो रही हैं. तो अब कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए थे उससे वैसे भी लोग जान चुके हैं कि किस तरीके से इससे निपटना है. आज लोग बाहर जा रहे हैं दुकान में तो उनको मालूम है कि किस तरीके से खड़े रहना है, किस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करना है. तो वैसे भी लोग ट्रेंड हो चुके हैं, अब कोरोना लोगों के लिए न्यू नॉर्मल बन चुका है, एक्सेप्ट कर चुके हैं लोग. तो अब कोरोना किसी भी हाल में कोरोना से डर कर नहीं, हमको उस पर प्रिकॉशन लेके चलना है, ये लोगों को समझ में आ गया है. अब लॉकडाउन खुलना चाहिए वरना बहुत गंभीर स्थिति आएगी, आर्थिक रूप से देश को भी नुकसान होगा लोगों को भी, और इससे जो लोगों के आर्थिक नुकसान होंगे लोग वैसे ही बर्बाद होकर मर जाएंगे. लॉकडाउन खुलना ही चाहिए वरना पूरे देश में अब भुखमरी की नौबत आ गई है. लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, सारी कंपनियां बंद है, MIDC बंद है, घरों में लोग भूख से व्याकुल हैं. उनको न तो पुलिस के तरफ से कहीं बाहर निकलने की अनुमति दी जा रही है, ना ही उन्हें कुछ खाने पीने के लिए मिल रहा है. अब सारी जनता परेशान है, सरकार से निवेदन है, सरकार को चाहिए कि लोगों को मजबूरी समझ के उन पर दया करे. और जो लोग भी अब बचे हैं वो भी एकदम जो है कि त्रस्त आ चुके हैं, खाने पीने का घर में पैसा नहीं है. अब यहाँ से जो बचे हैं वो भी पलायन के स्थिति में ही हैं और सारे लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से जाने के लिए भी आज भी रेलवे की टिकट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं. लोग तत्काल निकाल रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है. तो सरकार को चाहिए कि किसी भी तरह से लॉकडाउन खोल के सारे पब्लिक जो भी लोग हैं उनके जीवन की रक्षा करें. बात ऐसी है कि लॉकडाउन अभी पूरी तरह से खोलना चाहिए. न्यू बॉम्बे में 60-65% लोग स्लम और मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है. परसों मैंने एक फैमिली को राशन दिलवाया, उसकी हालत ऐसी है गुड़ और पानी में दो दिन से जी रहे थे, सिर्फ गुड़ और पानी खा के जी रहे थे. तो हालत बहुत बुरी होती जा रही है और हर एक आदमी को अभी समझने लगा है कि कोरोना का प्रादुर्भाव रोकने के लिए हमको खुद को क्या करना चाहिए. ऐसा हर आदमी अभी समझ चुका है. अभी आदमी लोग को बाहर निकलने दो, उनको काम करने दो, उनकी फैमिली के लिए कुछ कमा के लाने दो, नहीं तो ये आने वाले दिन में इतना बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है कि लोग ना किसका सुनेंगे, ना पुलिस का सुनेंगे, ना गवर्नमेंट का सुनेंगे, लोग अपना अपना काम करते रहेंगे. उससे अच्छा ये लॉकडाउन खोले तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि लोगों की हालत बहुत बुरी हो गई है. हम आज पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में देखते हैं तो बुरी तरह लोगों के हाल है. बीमारी से कुछ और प्रॉब्लम आता है तो वो पैसा जाता है, फिर खाने को कुछ नहीं, वो पैसा कुछ से मिलता नहीं. अभी जो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने अभी पगार देना बंद कर दिया क्योंकि वो भी खुद भी प्रॉब्लम में आ गए हैं. तो जब जो काम में आएगा उस काम पर आएगा उसको ही पगार मिलेगा, उसको ही पेमेंट मिलेगा, ऐसी हालत हो गई है. और छोटे छोटे व्यापारी है उनकी भी हालत बहुत बुरी तरह ख़राब हो गई है, उनको भी अभी चालू करना ही. मैंने परसों एक मुलाकात सुनी
व्यापारी संगठन के अध्यक्ष की, उसने साफ आह्वान किया है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो हम लोग दुकानें सब खोलेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, किसका सुनेंगे नहीं, हम दुकानें खोल के रहेंगे, ऐसे बातें अभी शुरू हो गई है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को भी और महानगर पालिका कमिश्नर को भी, कि आप पूरी तरह लॉकडाउन खुला कीजिए, लोगों को अपना अपना काम कीजिए। जी, मेरे हिसाब से जल्द ख़त्म होना चाहिए। लोगों के अंदर जो डर बैठा है उसको, डर बैठा है उस डर को जल्द से जल्द दूर होना चाहिए, इसलिए लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म हो, यही फायदेमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।